हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक बिन की कैलिब्रेशन करेंगे। ये डाल सेल का इंडिकेटर लगा हुआ है, देखिए अभी ये 12.3 टन शो कर रहा है। उसका मॉडल है DN510N। इसके ज़ीरो टेयर के बटन लगे हुए हैं, ये आप LED देख रहे हैं, मुख्तलिफ LEDs। इसका की पैड है, इसकी बैक साइड को ये देखें, इसका पावर का बटन लगा हुआ है, इसकी पावर केबल है, ये मिली एम्प्स आउटपुट है, और ये नीचे लोड सेल की केबल कनेक्टेड है। इसकी इनपुट लोड सेल है और ये आउट देता है हमें 4 to 20 मिली एम्प्स अकॉर्डिंग टू रेंज, जो भी हम रेंज इसको देंगे। ये बिन है, देखें इसके साथ ये एक लोड सेल लगा हुआ है, ये बिन लोड सेल के ऊपर होल्ड है, इसका सारा वेट जो है लोड सेल के ऊपर आ रहा है। ये इसका दूसरा लोड सेल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इसका दूसरा लोड सेल है, इसमें टोटल 3 लोड सेल लगे हुए हैं। ये एक लोड सेल लगा हुआ है, ये बिन इन तीनों लोड सेल के ऊपर प्लेस की गई है, ये इसका तीसरा लोड सेल है। ये देखें लोड सेल मैं आपको दिखाता हूँ, ये RTN 100 टन इसका, ये 100 टन के 3 लोड सेल लगे हुए हैं, तो टोटल इस बिन की कैपेसिटी 300 टन है। ये तीनों लोड सेल पैरेलल में कनेक्ट हैं और यहाँ से फिर इस ट्रांसमीटर पे कनेक्ट है। इसमें कैलिब्रेशन का तरीका यह है कि ये 3 नंबर बटन दबा के रखें और उसको ऑन करें, के बाद ये देखें ये आ रहा है D50, यानी इसका एक स्टेप जो है वो कितने का है, 50 का। इसकी कैपेसिटी है 155 टन। ये इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन एंटर करेंगे तो ज़ीरो कैलिब्रेशन हो जाएगी। अभी ये स्पैन मांग रहा है कि स्पैन हमने कितने, अभी देखें मैं दोबारा ज़ीरो कर रहा हूँ, ये ज़ीरो मैंने एंटर किया तो अब ये ज़ीरो कैलिब्रेट हो रहा है। उसके बाद ये स्पैन कैलिब्रेशन, उससे अगला स्टेप होगा। इसमें देखें इसमें हम एंटर करेंगे जितना हम इसमें वेट डालना चाहते हैं, ज़ीरो इसका हो चुका है और साथ ही स्पैन इसका इकट्ठा होता है, ज़ीरो और स्पैन एट ए टाइम एक ही पैरामीटर में करना पड़ता है। इसमें हम डालेंगे 57 टन और 660। KG 57 टन और 660 KG इसमें डालेंगे, ये दोबारा ज़ीरो करना पड़ेगा, इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। ज़ीरो करने के बाद इसमें मैं स्पैन की वैल्यू दूंगा, स्पैन की वैल्यू हमारी 57.660 टन। इसको एंटर करेंगे तो ये स्पैन कैलिब्रेशन में चला जाएगा। उसके बाद हम इसमें 57.66 टन मटेरियल डालेंगे और उसके बाद जब एंटर करेंगे तो स्पैन कैलिब्रेशन हो जाएगी। बहुत इजी तरीका, ये देखें मटेरियल फिल हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि 57.66 जो कि वेटेड मटेरियल है, हमने वे ब्रिज पे वेट किया है, वो वाला मटेरियल हम इसमें फीड कर रहे हैं। मटेरियल जब कंप्लीट हो जाएगा तो एंटर करेंगे तो इसकी स्पैन कैलिब्रेशन हो जाएगी। मैं वेट कर रहा हूँ, मटेरियल कंप्लीट हो गया, मैंने एंटर का बटन दबाया, अब स्पैन कैलिब्रेट हो रहा है, कैलिब्रेशन एंड, और अभी ये 57.650 शो कर रहा है। ये इसकी कैलिब्रेशन का तरीका है।